अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू में कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम ग्राहक मेला के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रिटेल, कृषि, वाहन, आवास, व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण स्वीकृति योजना के बारे में लगाए गए स्टॉलों में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग गतिविधियों की जानकारी दी गयी। हमीरपुर के पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू में कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम ग्राहक मेला के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रिटेल, कृषि, वाहन, आवास, व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण स्वीकृति योजना के बारे में लगाए गए स्टॉलों में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक नरेंद्र ठाकुर के अलावा हिमाचल और जम्मू राज्य के अंचल प्रबंधक रीता कौल के अलावा पीएनबी मंडल प्रमुख सिद्धार्थ मजूमदार भी उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम ग्राहक मेला पूरे देश के 450 जिला में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 3 से 7 अक्टूबर तक होगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के ग्राहक मेलों से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। 7 अक्टूबर तक पूरे देश भर में बैंकों के द्वारा कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम ग्राहक मेला चलाया जा रहा है और ये लगभग देश के 450 जिलों में ये कार्यक्रम होगा। पहले 250 जिलों में 3 से 7 अक्टूबर तक किया जाएगा, क्योंकि त्यौहार के मेलों के समय किसी को पैसे की कोई दिक्कत ना आए। बैंक खरीदारी के लिए भी, व्यापार के लिए भी, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी ओर से लोन सैंक्शन कर रहे हैं और जितनी सरकारी योजनाएँ उनका लाभ भी उपभोक्ता उठा सकें, बैंक ऐसे आयोजन देश भर में कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ऋणों में मिलने वाली दिक्कत पर कहा कि ऋण के लिए दिक्कतें ना हो, इसके सरलीकरण के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंक अपने स्तर पर प्रयास करके ग्राहकों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। आज भी मेरी इसके बाद बात हुई, 30 नए ऐसे लोनीज के फॉर्म बैंक को भेजे गए हैं जो जल्द उनके मंजूर हो जाएंगे। और मुझे जोनल मैनेजर श्रीमती रीटा कौल जी ने भी बताया कि प्रावधान उनके बैंकिंग सेक्टर में है, वो अपने यहाँ पर प्रयास करके पहले भी मदद कर रहे हैं ताकि किसी को गोटरी में जाना है, डेयरी फार्मिंग में जाना है, पिगरी में जाना है, तो उनके लिए भी ये लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो उसको ये दूर करेंगे ताकि गरीब आदमी को अपने आय के साधन बढ़ाने में और अवसर मिल सके, पलायन में कमी हो और घर बैठे आपके आय के स्रोत बढ़ सकें, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आर्थिक मंदी पर कहा कि मंदी के दौर में भारत की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा उठाए गए कदमों से आने वाले सालों में सभी को लाभ मिलने वाला है। पता है, दुनिया भर की एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है और आज की भी लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए, जहाँ दुनिया भर में मंदी का दौर बहुत पकड़ बना रहा है, उन्होंने तारीफ की है कि इस मंदी के दौर में भी भारत ने बहुत अच्छा किया है। साइक्लिकल जो प्रॉब्लम है, ये जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, इससे आने वाले वर्षों में बहुत लाभ मिलने वाला है उद्योग जगत को भी और आम व्यक्ति को भी। और आरबीआई ने भी जिस तरह से रेपो रेट्स कम किए हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने से भी उसका बहुत बड़ा फायदा सबको पड़ेगा। इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स आपको कम देना पड़ेगा तो आपकी आय भी बढ़ेगी और जब मुनाफा ज्यादा होगा तो निवेश भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। सर, कल अनिल शर्मा का बयान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत शर्मा की बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी अपने पुराने नेताओं सरदार पटेल, अम्बेडकर, महात्मा गांधी को भूल जाती है, ऐसी पार्टी से कोई जाएगा अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आनंद शर्मा अपने मनमोहन समय की सरकार को याद कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शायद कांग्रेस अपनी बंद आंखों से चीजों को देख रही है। मुझे लगता है वो अभी भी मनमोहन जी की सरकार को याद कर रहे हैं। जो पार्टी सरदार पटेल को भूल गई, जो डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को भूल गई, जो महात्मा गांधी जी को भूल गई, वो कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखती है, उससे आप ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं कर सकते। हमने सारे कदम, चाहे वो कॉरपोरेट टैक्स रेट कम करने की बात हो, 15% एडिशनल डेप्रिसिएशन
ऑटोमोबाइल सेक्टर में दी हो, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कम किए हो। भारत स्टेज 4 के व्हीकल जितने हैं उनको 31 मार्च 2020 तक जो खरीदेगा, जब तक उनकी रजिस्ट्रेशन रहेगी तब तक वो चलते रहेंगे। सब निर्णय हमने किए। रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपके विलंब कर दिए बढ़ाने के लिए, उसको जून 2020 तक हमने स्थगित कर दिया है। तो ये कदम किसने उठाए? मोदी जी की सरकार ने उठाए। शायद कांग्रेस बंद आंखों के साथ कुछ नहीं देख पा रही है। हिमाचल में एचपीसीए के परिवार के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने कुनबे में नजर डालकर देखे, फिर बताए कि परिवार बाद क्या होता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल पर नजर डालकर देखें और फिर बताएं कि परिवार किसे कहते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पहले पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अब आने वाली उनकी पीढ़ियाँ, ज़रा इन पे थोड़ा सी नज़र डालकर देखें फिर बताएं परिवारवाद क्या है। विभिन्न वित्तीय संस्थानों से पधारे हमारे सभी जो हमारे संस्थान थे, हम सब ने मिल के जो भारत सरकार की एक अनूठी पहल है कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव, इसमें सर हमने आज सबने मिल के कुछ स्टॉल लगाए हैं। ये भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जो बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ग्राहकों, लाभार्थियों को इकट्ठे ला रही है एक ऐसे वातावरण में जहां हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर, ये बहुत अच्छी पहल आपने की है और राष्ट्र स्तर पर इसका कार्यभार हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी को दिया है। मैं सर का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी कि सर ने इस कार्यक्रम का पहला जो है यहाँ हमीरपुर को चुना, यहाँ आप सर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित ही ये कोई कहने की बात नहीं है कि जो मोदी जी का सपना है कि भारत को हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उसमें सभी वित्तीय संस्थानों का एक बहुत एक बड़ा रोल रहेगा। ये जो आज का कार्यक्रम हमने किया है, इसके पीछे मंशा यही है कि हमने जो स्टॉल लगाए हैं उसमें हम आपको एग्रीकल्चर, एमएसएमई और रिटेल, जैसा कि मैडम ने अनाउंस किया था अपनी स्पीच में, उन सब की जो हमारी स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा हमने एक जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है PSB50 रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं और बैंक के अधिकारी आपको खुद संपर्क करेंगे और इससे आपका जो लोन है उसमें प्रोसेस टाइम कम हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसका भी हमने यहाँ पे इंतजाम किया है। जो इच्छुक लोग हैं अपनी रिक्वेस्ट यहाँ प्लीज दर्ज करा के जाए। इसके अलावा हमने अकाउंट ओपनिंग का, डिजिटल सिग्नेचर, आधार ऑथेंटिकेशन का और ऑनलाइन जो डिजिटल एप्स हैं हमारे, उन सब का भी हमने डाउनलोड करने का यहाँ प्रबंध किया है। आप हमारे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और ये सुविधाएं ले सकते हैं। मैं बहुत खुशी से बताना चाहूंगी कि इस वर्ष पंजाब नेशनल बैंक अपना 125वां स्थापना दिवस मना रहा है। मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे बैंक में, जिसमें लाहौर से दिल्ली के सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रिपोज किया और हम बड़े देश का बड़ा बैंक बने रहे। 1000 शाखाओं और 9000 ATMs के साथ 10 करोड़ से अधिक मूल्यवान ग्राहकों की सेवा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमारी बैंक की
338 शाखाएं हैं, 334 ATM हैं और दूर दराज इलाकों में जहां हमारी ब्रांच नहीं है वहां हमने 336 बैंक मित्र अपॉइंट किए हैं ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। हिमाचल में कुल 12 जिले हैं जिनमें 6 में पंजाब नेशनल बैंक अग्रणी है। इसके अलावा पीएनबी में 5 RCT हम चला रहे हैं जिसके माध्यम से हम कौशल विकास कर रहे हैं और जो लोग अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। मैं अधिक समय ना लेते हुए आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करूंगी कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो आज लोग आए हैं कृपया हमारी जो हमने स्टॉल लगाए हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, सब स्कीम्स की जानकारी लें, आपको जो पूछना है खुलकर पूछें। आज बहुत इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में एक ऐसा संपर्क कार्यक्रम है जिसका मुझे यकीन है कि बहुत फायदा होगा। आगे चल के आप अपना नाम जरूर दर्ज कराइए ताकि हमारे लोग आपसे खुद टच में आ सके। धन्यवाद सर।